और इस तरह की टिप्पणियां करना जिससे पूरे सर्जिकल स्ट्राइक पर ही सवाल उठे। अब सवाल क्या क्या उठाए जा रहे हैं, अभी क्यों, ये सीडी कहां से आई, ये सवाल जरूरी है क्या, सीडी कितना सही है, ये उस समय के सेना के पदाधिकारियों ने आपके चैनलों पर कहा है कि वो खुद इसको मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं अब पूरी जिम्मेवारी से कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की टिप्पणियों पर सबसे अधिक खुश पाकिस्तानी पाकिस्तान में लोगों को होगी, आतंकवादियों को होगी। और जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद की टिप्पणी पर लश्कर ए तैयबा से उनको सर्टिफिकेट मिला, आज जो कांग्रेस पार्टी ने कहा है जल्दी ही उनको भी लश्कर ए तैयबा या पाकिस्तान के किसी आतंकवादी संगठन का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। क्या देश की सेना के मनोबल को तोड़ना ही कांग्रेस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य बचा है? कहीं ना कहीं तो हम लोग सियासत के से ऊपर उठें। यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भारत की परंपरा रही है, कारगिल की विजय हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, वहां भी कुछ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उस पर सवाल खड़ा किया था। जो पुराने पत्रकार बैठे हैं उनको याद होगा, उस समय की कटिंग, उस समय की टीवी के फुटेज निकालिए, बस एक बार औपचारिकता हम सेना की सराहना करते हैं और उसके बाद सब कुछ कहना, वही आज चल रहा है। ये पूरे फुटेज में साफ दिखाया जा रहा है कि भारत की सेना अंदर जाती है, किसी को एक खरोच भी नहीं लगती और कार्रवाई करके चली आती है। और इसको भारत के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा लंदन में, जब सेना आई हमारे पास कि इसको हम मीडिया में बताना चाहते हैं, तो हमने कहा पहले पाकिस्तान को बताओ, उनको खबर करो। और आपको मालूम है एक घंटे तक वो लाइन पर नहीं आए, बाद में बताया गया हमने स्ट्राइक किया है, आपकी लाशें पड़ी हैं, आप चाहे तो हटा लीजिए। लेकिन हमसे कांग्रेस के लोग पूछ रहे हैं कि हम इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक 16 में हुई थी, पिछले साल उत्तर प्रदेश का चुनाव था, क्या इसे पब्लिक किया गया? गुजरात के चुनाव थे, कर्नाटक के चुनाव थे, हिमाचल और उत्तराखंड के चुनाव थे, और उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटका में बड़ी संख्या में अवकाश प्राप्त सेना के लोग भी रहते हैं, आपको मालूम है। क्या उस समय हमने किया? आज तो कोई चुनाव नहीं है। और ये कहां से आया, इस पर आज चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ऑथेंटिक है कि नहीं, उस समय के सेना के पदाधिकारियों ने कल कंफर्म किया। तो आज इस पर सवाल उठाकर कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाह रही है? हमारा स्पष्ट आरोप है, कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के आतंकवादियों के हौसले को मजबूत कर रही है। और हमारा दूसरा आरोप यह है कि जो पाकिस्तान बार बार सर्जिकल स्ट्राइक को कहता है हुई नहीं, तो आज पाकिस्तान के लोग भी कहेंगे तो कांग्रेस पार्टी भी सवाल उठा रही है तो हमारी बात ही कह रही है, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं। इट इज आवर चार्ज विद ग्रेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट टुडेज स्टैंड ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू ग्लैडन द हार्ट ऑफ द टेररिस्ट एंड देयर पेट्रन अक्रॉस द बॉर्डर इन पाकिस्तान। एंड सेकेंड, इट इज गोइंग टू गिव ए बिग कैंपेन हैंडल टू द एस्टैब्लिशमेंट इन पाकिस्तान that what we said questioning the authenticity of the surgical strike is being reinforced by Congress party. Jo maine kaha fringe party ho gayi hai Congress party, isliye kaha tha desh hit mein sahas dikhana padta hai. Ab Congress party ne kitna sahas dikhaya hai uski charcha kabhi aur karenge. Lekin kya baar baar janta se haraye jane ke karan इतने हताश हो गए हैं?